हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि सीआरटी टीवी का जो मेमोरी आईसी होता है, आपको एक एक्सपेरिमेंट वीडियो करके दिखाऊंगा कि मेमोरी आईसी जब फॉल्ट हो जाएगा और मेमोरी आईसी आप न्यू लगाएगा और मेमोरी आईसी का जो रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है, पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस तरह वीडियो जब मैं बहुत बनाया, ठीक है, तो उसका अंदर मैं देखा कि बहुत व्यूअर्स ने कमेंट करके बताया कि सर इस तरह वीडियो बनाए मेमोरी आईसी का ऊपर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, अलग अलग पोजीशन पर आपको अलग अलग नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्किप करेगा तो आप वो नॉलेज को आप मिस कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू सीआरटी लोकल टीवी की, तो एक्सपेरिमेंट करने का पहले ये जो मेमोरी आईसी है, ये जो मेमोरी आईसी पीसीबी से कनेक्ट है, तो ये मेमोरी आईसी को फर्स्ट ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मेरा पास ये मेमोरी लगाने का एक बेस है, तो ये बेस मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद उसके बाद ये मेमोरी आईसी को मैं यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेमोरी आईसी का नंबर है 24C08, तो दोस्तों 24C04 हो सकता है, 24C08 हो सकता है, 016 हो सकता है, 032 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी मेमोरी हो सकता है, इसका काम ही सेम होता है, बट 8 होगा तो आपको 8 ही लगाना पड़ेगा, और 8 का जगह आप 16 भी लगा सकते हो और 32 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये मेमोरी आईसी मैं ओपन करने के बाद ये बेस लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी पर मैं बेस लगाया और ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी पर यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मेमोरी का उल्टा सीधा होता है, एक नंबर पिन आपको देख के लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये सही तरीका से इसका एक नंबर पिन सही से मैं जिस तरह कनेक्शन था इस तरह मैं लगाया। और दोस्तों मेरा पास एक अलग सा पिक्चर ट्यूब है, ये पिक्चर ट्यूब पर ये पीसीबी को लगाऊंगा। लगाने के बाद आपको पूरा डिटेल, मैं पीसीबी को कुछ इस तरह फिटिंग्स किया ये पिक्चर ट्यूब के साथ, तो मैं आपको अच्छा करके दिखाने के लिए तो पिक्चर ट्यूब को मैं ये साइड रखता हूँ, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन मैं जो नॉर्मल तरीके से कनेक्शन इस तरह मैं कनेक्शन किया, तो चलिए इसका अंदर मैं एसी कॉर्ड सप्लाई इनपुट दे दिया, और इसका अंदर ये जो पैनल पीसीबी है और जो सेंसर है ये मैं कनेक्शन किया। और ये जो मेमोरी आईसी है, चलिए आपको कंफर्म करने के लिए आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये 24C08 का इसका मेमोरी आईसी है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ भी कॉन्फ्यूज नहीं रखना चाहता हूँ, 24C08 इसका मेमोरी नंबर है, ठीक है। तो ये इसका पीसीबी के साथ ही ओरिजिनली है, और मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ मेरा पास ये जो मेमोरी आईसी है, देखिए 24C16 वाला, ठीक है, ये 24C16 वाला मेमोरी आईसी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम नंबर का 24C08 ये पुराना वाला। और दोस्तों ये दो मेमोरी को मैं कॉपी किया, सॉरी दो मेमोरी आईसी को मैं ब्लैंक किया, मतलब कुछ भी इसका अंदर डाटा नहीं है, ठीक है, पूरा ब्लैंक करके मैं रखा हूँ इसी टाइम। तो चलिए अभी सप्लाई देखिए आपका दिखाना चाहता हूँ। सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर ऑन है, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए किस तरह स्क्रीन का अंदर लिखा आ रहा है। देखिए स्क्रीन का अंदर सोनी लिखा आ रहा है, और ये थोड़ा एडजस्टिंग नहीं है वर्टिकल का, तो कोई बात नहीं, ये एडजस्टिंग का भी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बट देखिए कुछ टाइम का अंदर ये सोनी लिखा स्क्रीन का अंदर मूव कर रहा है। तो इस तरह ये पीसीबी का पूरा सेटिंग्स जो सिस्टम है, इस तरह इसको मैं करके रखा हूँ, और ये आप देख सकते हो सोनी लिखा इस तरह मूव कर रहा है। और वीडियो लाइन देने के बाद क्या होगा, चलिए मैं वीडियो लाइन दे के आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो सप्लाई दे दिया, सोनी लिखा चला गया और वीडियो आ गया। तो चलिए वीडियो भी प्ले करके आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, मेरे न्यू टेक्नीशियन को बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए वीडियो बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम इसी टाइम मैं आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो मेमोरी आईसी है, ठीक है, ये मेमोरी जो आईसी है, चलिए अभी इसी टाइम आपको स्टैंड बाई करके एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई कर देता हूँ रिमोट से, देखिए स्टैंड बाई कर दिया, टीवी बंद हो गया, ठीक है। दोबारा रिमोट लेके स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई को ऑन किया, स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए वीडियो आ गया, सोनी लेखा भी आ गया, कुछ भी इसका अंदर चेंज नहीं हो रहा है, और ये सोनी लेखा कुछ टाइम के अंदर ही चला जाएगा। देखिए सोनी लेखा चला गया, वीडियो बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों टीवी अभी इसी टाइम रनिंग कंडीशन पर है, ठीक है। सीरीज बल्ब थोड़ा सा हल्का ग्लो कर रहा है, सीरीज लेंस से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसी टाइम दोस्तों आपको जो देखूँगा कि ये मेमोरी आईसी अभी इसी टाइम ओपन कर लूँगा तो क्या होगा,
तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए टीवी अभी चल रहा है और ये मेमोरी, इसीलिए मैं बेस लगाया ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मेमोरी इसी को ओपन किया और टीवी भी देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मेमोरी इसी पर देखिए बिल्कुल ओपन है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा ठीक है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम ये रिमोट लेके स्टैंड बाई करके देखूंगा कि स्टैंड बाई होगा कि नहीं होगा। देखिए तो दोस्तों मैं स्टैंड बाई कर दिया, टीवी बिल्कुल स्टैंड बाई मोड पर चला गया ठीक है, और इसका मेमोरी ऐसे भी ओपन है। तो चलिए दोबारा रिमोट लेके स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन किया, देखिए ऑन करने के बाद टीवी दोस्तों देखिए दोबारा चालू नहीं हो रहा है। तो फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ अच्छा करके, देखिए ये देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और टीवी देखिए दोस्तों चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए टीवी अब चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो चलिए ये रनिंग कंडीशन पर पीसीबी है, इसी टाइम ये मेमोरी आईसी को दोबारा लगा के दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए ये मेमोरी आईसी को लगाया और आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि टीवी चालू होता है कि नहीं। तो दोस्त अभी देखिए टीवी अभी चालू नहीं हो रहा है ठीक है। तो चलिए ये मेरा पास रिमोट है, रिमोट लेके फिर भी ऑन करके देखता हूँ। दोस्तों रिमोट लेके मैं ऑन किया तब भी ये टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या फॉल्ट है, तो इसी टाइम क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों इसका जो मेन सप्लाई है ये मेन सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। आप अच्छा करके देखिए इसका इंडिकेटर ऑफ हो गया और दोबारा चलिए मैं सप्लाई देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर ऑन है और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों स्क्रीन का अंदर सोनी लिखा भी आ गया, पिक्चर भी आ गया, सब कुछ बिल्कुल चल रहा है ठीक है। और इसी टाइम दोस्तों देखिए फिर भी मैं स्टैंड बाई ऑन कर ऑफ कर देता हूँ, देखिए टीवी बंद हो गया और स्टैंड बाई से फिर भी ऑन करके दिखाता हूँ कि दोस्तों देखिए स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। मतलब इसका जो सेटिंग्स है ये सोनी लेखा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इसका अंदर जो ओरिजिनल कॉपी है जो इसका डाटा का साथ मेन प्रोसेसर का जो डाटा का साथ जो स्टोर है वो फिर भी वापस आ गया ठीक है। तो इसी टाइम आपको और एक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ, इसी टाइम मैं पिक्चर को ऑफ कर देता हूँ, मतलब वीडियो लाइन को मैं ऑफ कर दिया, इसका अंदर सोनी लेखा है। और चलिए मैं मेनू बॉटम पुश करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मेनू बॉटम पुश करने के बाद इस तरह इसका लोगो सब कुछ आ जाता है, इसका कलर सेटिंग भी आप देख सकते हो ठीक है, 50, 50, 40 और 02 ये सब सेटिंग है ठीक है। तो इसी टाइम देखिए चला गया और इसी टाइम मेमोरी आईसी ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, और उसका पहले देखिए सोनी लेखा वापस आ गया। तो चलिए इसी टाइम ये मेमोरी को ओपन किया और इसका इंडिकेटर ऑन है और इसी टाइम रिमोट काम करेगा कि नहीं। अब देखिए मैं मेनू बटन पुश कर रहा हूँ, दोस्तों बिल्कुल इसका सब कुछ काम कर रहा है, देखिए आप अच्छा करके देखिए मेनू बटन पुश कर रहा हूँ और इसका अंदर जो डाटा है सब कुछ सेम है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ टीवी को ऑफ करेगा तो ऑफ करने के बाद दोबारा ये ऑन नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सप्लाई को मैं टोटल ऑफ कर दिया, फर्स्ट आपको स्टैंड बाई करके दिखाया, अभी इसी टाइम सप्लाई को ऑफ कर दिया। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने का देखिए इसका इंडिकेटर ऑन है और टीवी अभी नहीं ऑन हो रहा है ठीक है। अब अच्छा करके देखिए फर्स्ट टाइम आपको दिखाया तुरंत टीवी ऑन हो गया था ठीक है। तो इसी टाइम फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद ये मेमोरी इसे लगाने के बाद तो दोस्तों ज़रूर ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों कभी कभी होता है कि मेमोरी फॉल्ट हो गया, अब मेमोरी आईसी को ओपन किया, इसका अंदर जो कुछ डाटा स्टोर है सब अब देखा है और मान लीजिए सेम नंबर का मेमोरी आईसी नहीं है, ये 24C08 का मेमोरी आईसी है और मेरा पास ये जो मेमोरी आईसी है जो आपको दिखाया ये मेमोरी आईसी को दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 24C016 का मेमोरी आईसी है। तो ये मेमोरी आईसी लगाने के बाद ये पीसीबी ऑन होगा कि नहीं होगा, तो चलिए एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मेमोरी आईसी एक नंबर पिन को आपको ठीक से देखना पड़ेगा, देख के आपको लगाना पड़ेगा।
देखिए 24C16 वाला मेमोरी आईसी लगाया, ठीक है। और चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए दोबारा सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी ऑन है। तो मेमोरी आईसी लगाने के बाद दोस्तों देखिए टीवी अभी चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि मेमोरी आईसी और सिस्टम आईसी लगाने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा लोड होने के लिए। बट दोस्तों देखिए ये टीवी चालू हो गया, मैं कुछ भी नहीं किया, बट दोस्तों इसका अंदर सोनी लिखा चला गया, ठीक है। क्योंकि इसका अंदर जो सोनी लिखा ये मेमोरी आईसी का अंदर लोडिंग है, ये मेमोरी आईसी मैं आपको क्या बताया कि ब्लैंक लगाया, इसलिए इसका अंदर लोडिंग नहीं है, इस तरह इसका अंदर स्क्रीन शो हो रहा है। तो चलिए इसी टाइम मेनू बटन पुश करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों मेनू बटन पुश किया और इसका जो मेनू चार्ट ये देखिए सब कुछ चला गया, इसका पूरा अलग हो गया, मतलब देखिए ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर ये सब 50-50 देखा जाता है। तो आपको और क्लियर करके मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं स्क्रीन पर मेनू चला गया, दोबारा मेनू बटन पुश किया, देखिए सब कुछ 50-50 आ गया। तो दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये मेमोरी आईसी का, ये प्रोसेसर आईसी का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। कुछ भी कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपका हिसाब से ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। जो सोनी लिखा चला गया ये आपको सर्विस मोड ओपन करके आप कुछ भी लिखा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों ये मेमोरी आईसी लगाने के बाद इसी तरह, क्योंकि आपको बात है आप 24C32 मेमोरी भी लगा सकते हो, बट इसके अंदर जो ओरिजिनल मेमोरी आईसी है 24C08, बट दोस्तों यहाँ पर 24C04 मार्केट पर मिलता है, फोर आप मत लगाए, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होने का जो स्पेस होता है फोर का अंदर इतना नहीं है। और दोस्तों ये जो 16 वाला मेमोरी आईसी है, ये जो 8 वाला है, 8 से इसका अंदर डाटा स्टोर होने का कैपेसिटी और ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद और जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि अभी तो ये लोडिंग कंडीशन पर है, तो अभी इसी टाइम इसको मैं जब ओपन करूँगा तो क्या होगा। देखिए ये मैं ओपन कर दिया, टीवी अभी चल रहा है, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल वाला था, मतलब 24C08 यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। आपको एक नंबर देख के लगाना पड़ेगा, देखिए ये मैं यहाँ पर लगाया। दोस्तों अभी मैं मेनू बटन पुश करूँगा तो क्या होगा, देखिए इसका अंदर जो पहले से सेटिंग्स है ये स्टोर है, ठीक है। और चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर जल गया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों फिर इसका वापस सोने लिखा आ गया, एक्चुअली इसका अंदर जो सेटिंग था ये सेटिंग वापस आ गया। तो अभी देखिए आपको सर्विस मोड ओपन, सॉरी मेनू चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मेनू चार्ट ओपन किया, इसका पहले वाला जो सेटिंग है सब कुछ वापस आ गया। इसका मतलब जो डाटा स्टोर होता है ये मेमोरी आईसी का अंदर स्टोर होता है, और ये जो प्रोसेसर आईसी है दोनों मिलके इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये मेनू, ये रिमोट का जो सेंस यहाँ पर इनपुट करने के बाद ये प्रोसेसर आईसी का अंदर जाता है, और ये मेमोरी आईसी का साथ दोस्तों जो प्रोसेसर आईसी ये दोनों मिलके काम करता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका सोनी लिखा बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों ये स्टोर है इसका अंदर, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेमोरी आईसी को ओपन करके कि ये 8 वाला मेमोरी आईसी है, और ये दोस्तों सेम 8 वाला मेमोरी आईसी है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक मेमोरी आईसी, इसको मैं ब्लैंक किया, पुराना पीसीबी का मेमोरी आईसी है, कुछ डाटा इसके अंदर स्टोर था, मैं सब जीरो कर दिया। और जीरो करने के बाद किधर चला गया, चलिए मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये लगाने के बाद आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ कि ये इंडिकेटर ऑन हो गया, और थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक मेमोरी आईसी लगाने के बाद और न्यू मेमोरी आईसी और प्रोसेसर लगाने से बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, और दोस्तों ये कुछ टाइम के अंदर ही ऑन हो जाता है। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, देखिए दोस्तों ये टीवी ऑन हो गया, बस कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका आपको दिखाया, और आपको इसी टाइम जो बताना चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी आईसी लगाया, तो आपको कुछ और शॉर्टिंग करके दिखाऊंगा कि मेमोरी आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, मतलब मेमोरी आईसी का शॉर्ट क्या होता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके और क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों देखिए ये दो आईसी, चलिए मैं इसका पुराना ओरिजिनल वाला आईसी को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है।
जो यहाँ पर पहले से ही था, 8 वाला 24C08, ठीक है। लगाने का बाद फिर भी एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ कि ये सोनी लेखा आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, सोनी लेखा आ गया, ठीक है। तो इसका अंदर सब कुछ डाटा स्टोर है, जितना इसका सेटिंग है, मेनू, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट, कलर, सब कुछ इस सेम है, ठीक है। चलिए सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों चलिए आपको मेमोरी सी कॉपी करके दिखाऊंगा कि सेम डाटा कॉपी होता है कि नहीं, और सेम डाटा को कैसे कॉपी किया जाता है। ये पीसीबी से 08 मतलब 24C08 मेमोरी सी को ओपन किया और मैं ये मेरा जो कॉपियर मशीन है यहाँ पर लगाया। और दोस्तों पहले से ही ये जो 08 पुराना वाला आपको लगा के दिखाया, तो ये मैं यहाँ पर लगाया। तो ये 08 वाला है, तो इसको इस तरह सेटिंग्स करना पड़ेगा, ये 24 और ये 0 08 पर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर कॉपी का बॉटम है, सिंपल तरीका, आपको कॉपी बॉटम पुश करना पड़ेगा और ओके लिखा इस तरह ब्लिंक करेगा और ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद दोस्तों इसका अंदर जितना डाटा है इसका अंदर, ये आईसी पर कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों लगता है कि ये कॉपी हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों ये न्यू आईसी है और ये पुराना आईसी है। तो ये पुराना आईसी को देखिए, ये न्यू आईसी है और ये पुराना आईसी है। ये पुराना आईसी को मैं यहाँ से बाहर काट लेता हूँ, ठीक है। बाहर काटने के बाद चलिए ये पुराना आईसी यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ कि जो सेम डाटा सोनी लेखा सप्लाई देने के बाद आ गया, अभी इसी टाइम आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए इसका इंडिकेटर जल गया, सप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि दोस्तों देखिए इसका अंदर, देखिए कॉपी करने के बाद सोनी लेखा आ गया। और दोस्तों जो मेनू का डाटा आपको दिखाया, चलिए मेनू का अंदर ये सब कुछ सेम आता है कि नहीं। दोस्तों माय गॉड, देखिए इसका सब कुछ सेम कॉपी हो गया, जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर ये सब कॉपी हो गया। दोस्तों आपका सामने मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाता हूँ, फिर भी मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। आपका मन में लग रहा है कि कुछ भी मैं फेक बना रहा हूँ, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन का इस तरह मन में आ जाता है। तो चलिए इसका ओरिजिनल वाला जिससे मैं कॉपी किया, इसको मैं फिर भी दोबारा यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लगाया, ठीक है, और पुराना वाला को मैं साइड कर दिया और फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई देने के बाद स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि इसका ओरिजिनल वाला जो फर्स्ट आपको दिखाया, ये सेम वाला दोस्तों सोनी लेखा आ गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और दोस्तों चलिए आपको मेनू बॉटम पुश करके भी एक बार देखूंगा रिमोट का, ठीक है। देखिए मेनू बॉटम पुश किया और देखिए इसका जो डाटा, देखिए पूरा सेम टू सेम कॉपी हो गया, ठीक है। दोस्तों ये मैं इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ ब्रांडेड पीसीबी है, ठीक है, जिसका में सर्विस मोड का अंदर बहुत कुछ सिस्टम है जो बहुत इधर उधर चेंज हो जाएगा, तो उसी का रीजन से वो पीसीबी प्रॉपर तरीका से रन नहीं करेगा, बहुत कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है वीडियो नहीं आ सकता है। ब्रांडेड पीसीबी ओनिडा जैसे इस तरह मार्केट का अंदर अभी मिल रहा है, तो उसका मेमोरी आईसी फॉल्ट होने का रीजन से हो सकता है मार्केट से मेमोरी आईसी लगाया प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आपको सेम तरह पीसीबी से, ठीक है, उसका जो मेमोरी आईसी है इसी तरह मेमोरी आईसी को कॉपी करके आप न्यू मेमोरी लगा सकते हो, कुछ भी मेमोरी लगा सकते हो, ठीक है, मेमोरी आईसी को कॉपी करके। नहीं तो वो पीसीबी का जो मेमोरी आईसी है उस मेमोरी को ओपन करके आपको पीसीबी पर लगाना होगा, लगाना पड़ेगा, सेम तरह प्रोसेसर आईसी उसका अंदर होगा, तो ठीक है। ये प्रोसेसर आईसी का नंबर जितना देखे को मिलेगा, तो वही नंबर प्रोसेसर आईसी वो पीसीबी का अंदर होना चाहिए, तब वो पीसीबी प्रॉपर तरीके से रन करेगा जो ब्रांडेड पीसीबी होता है, बहुत पीसीबी। बट दोस्तों हो सकता है सब कुछ नहीं मिल रहा है, वो मेमोरी आईसी नहीं मिल रहा है। अब न्यू मेमोरी आईसी लगाने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से इसका सर्विस मोड का अंदर बहुत कुछ सेट करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, कुछ सर्विस मूट ओपन करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, इसका टीवी मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन हो जाएगा, सोनी लेखा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेमोरी आईसी ओपन करने के बाद मैं बताता हूँ कि न्यू टेक्नीशियन होगा तो जितना मैं आपको दिखाऊँगा वही आप कीजिए और उसका बाहर आप मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए सर्विस मूट ओपन करने का तरीका आपको इसी टाइम नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो टेक्नीशियन लोग होते हैं सबका पता है। तो चलिए मैं सर्विस मोड ओपन कर देता हूँ। देखिए फैक्ट्री ओपन हो गया,
चलिए और दोबारा पुश कर देता हूँ, फिर भी तीन बार पुश कर देता हूँ। इस तरह दोस्तों एक एक पेज आ जाता है, ठीक है, ये एक एक पेज आ जाता है। तो इसके अंदर बहुत कुछ सीखता है, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया, देखिए बाजार बाज रहा है पूरे जीरो ओम्स है। तो दोस्तों अधिकतर मार्केट का अंदर अभी जो जितना मेमोरी ऐसी देखा जाता है उसका 8 नंबर पिन पर, मतलब 24C जितना सीरीज का आईसी होता है सबका 8 नंबर पिन पर सप्लाई आता है जो 5 वोल्ट होता है, ठीक है। कुछ कुछ पीसीबी के अंदर 3.3 वोल्ट का आसपास भी हो सकता है, तब भी ये मेमोरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी का ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये चार पिन एक साथ नेगेटिव का साथ शॉर्टिंग रहता है, और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर पिन SCL और SD होता है। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड पिन होता है, और दोस्तों 8 नंबर पिन ये सप्लाई पिन होता है, ठीक है। तो ये जो SCL और SDA पिन, ठीक है, 5 और 6 नंबर पिन, ठीक है, ये दो पिन का साथ जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मेन प्रोसेसर आईसी का एक SCL और एक SDA पिन होता है, ठीक है, SCL और SDA पिन होता है। तो ये आईसी के साथ कम्युनिकेशन करके ये मेमोरी आईसी के साथ प्रोसेसर आईसी काम करता है, ठीक है। तो ये मेमोरी आईसी का ये दो पिन शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी पिन शॉर्ट हो जाएगा तो मेमोरी काम नहीं करेगा, बट ये जो प्रोसेसर आईसी का SCL SDA पिन शॉर्ट हो जाएगा तो ये सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा, ठीक है, टीवी ऑन भी नहीं होगा, ठीक है, ये SCL SDA और ये SCL SDA काम नहीं करेगा। तो इसका अंदर सप्लाई नहीं आएगा तो मेमोरी आईसी काम नहीं करेगा, ठीक है। जो दोस्तों फॉल्ट अधिकतर देखा जाता है कि प्रोसेसर आईसी चेंज करने के बाद जो मन में लग रहा है कि इसका मेमोरी फॉल्ट है, तो मेमोरी भी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत पीसीबी इसके अंदर फॉल्ट आता है, जो SCL और SDA पिन ये जो लाइन जाता है देखिए आईसी का साथ, ठीक है, और बीच में एक रेजिस्टेंस देखिए, ये दोस्तों बीच में ये रेजिस्टेंस देखिए सप्लाई लाइन का साथ, मतलब SCL SDA पर भी एक सप्लाई आना चाहिए 5 वोल्ट लाइन से, और ये जो लाइन है यहाँ से एक सिग्नल आईसी का साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। बट दोस्तों ये जो लाइन है, ये लाइन का अच्छा कर देखिए यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट बहुत पीसीबी के अंदर PF कैपेसिटर इस तरह दिखा जाता है जो SCL SDA लाइन होता है, ठीक है, बट ये पीसीबी के अंदर कुछ भी PF नहीं है, बट ये जो सप्लाई इन हो रहा है इसका अंदर ये साइड का अंदर एक PF है, मतलब SCL SDA पिन का अंदर, SCL और SDA पिन का अंदर, ठीक है, SCL और SDA जो पिन है ये पिन का अंदर आईसी का साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसका अंदर जो पार्स रेजिस्टेंस ये ओके होना चाहिए, और इसका अंदर जो सप्लाई आता है ये सप्लाई ओके होना चाहिए, सप्लाई लाइन का अंदर जितना पार्स है ये ओके होना चाहिए। बहुत पीसीबी का अंदर ये लाइन का अंदर PF देखा जाता है। क्या क्या होता है कि PF भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, जो ट्यूनर लाइन बहुत पीसीबी का अंदर जो SCL और SDA ये मेमोरी लाइन का साथ प्रोसेसर का साथ और जो ट्यूनर होता है ट्यूनर का साथ भी SCL SDA लाइन दिखा जाता है, जो ये आईसी का साथ ही कनेक्शन देखा जाता है। तो क्या होता है आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूनर जब शॉर्ट हो जाएगा, ट्यूनर शॉर्ट के रीजन से ये SCL और SDA सिग्नल काम नहीं करेगा, तो आपको कौन कौन चीज़ से ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोसेसर आईसी का सिग्नल लाइन पिन, ट्यूनर लाइन का सिग्नल लाइन पिन, मतलब SCL SDA और मेमोरी का साथ जितना SCL SDA लाइन पिन का साथ कनेक्शन है। तो इसीलिए मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो है, कि ये जो मेमोरी आईसी का सप्लाई पिन देखिए, ये सप्लाई पिन का साथ नेगेटिव का ओम्स देखिए 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए, जो मैं बहुत वीडियो के अंदर बताया, ये नेगेटिव प्लस सप्लाई लाइन का साथ आपको दिखाता हूँ, और ये कॉर्ड को उल्टा करके दिखाएगा तो ये और हाई रीडिंग देगा, ठीक है, और हाई रीडिंग देगा, देखिए इतना रीडिंग हाई देखिए, ये मीटर का जो बार्जर रेंज से ऊपर चला गया, आप खुद भी देखिए बहुत रेंज चला गया, बट नेगेटिव या इधर रखेगा तो 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो SCL और SDA पिन है ये नेगेटिव के साथ कंटिन्यूटी चेक करेगा तो इसका रीडिंग भी आप देख सकते हो 500 का ऊपर है, ठीक है, SCL और देखिए SDA ये दोनों पिन 500 का ऊपर चला गया, ठीक है। अलग अलग मेमोरी होगा तो अलग अलग पीसीबी होगा तो थोड़ा सा रेंज कम बेसी हो सकता है, बट 400 का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि ये लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो आपको जरूर वो ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देखिए कितना वैल्यू है, 200 ओम्स का आसपास, ठीक है, 220 ओम्स ये हो सकता है, तो इतना शॉर्ट हो जाएगा तो
क्योंकि मेमोरी ऐसी हर टाइम पूरा शॉर्ट नहीं हो सकता है, हल्का सा शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं 200 ओम्स ये रेजिस्टेंस मैं लेके आपको SCL और SDL लाइन को शॉर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो है, ठीक है। तो देखिए ये एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ देखिए एक रेजिस्टेंस कनेक्शन किया, ठीक है। देखिए नेगेटिव लाइन है और मैं SCL और SD कुछ भी लाइन के साथ आप भी कर सकते हो, मैं कुछ भी SCL और SDA कुछ भी लाइन के साथ आप कर सकते हो। मैं एक पिन का साथ कनेक्शन कर दिया क्योंकि SCL और SDA लाइन दोनों लाइन को प्रॉपर काम करना चाहिए, कुछ भी एक लाइन फॉल्ट हो जाएगा तो किस तरह फॉल्ट हो सकता है। देखिए ये जो डाटा सिग्नल लाइन है ये लाइन के साथ जो नेगेटिव अभी इसका ओम्स देखिए 20 ओम्स का नीचे चला गया, तो अभी इसी टाइम क्या होगा सप्लाई देने का बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो ये लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपको इस तरह ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो लाइन शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो चलिए मैं पिक्चर टेप को थोड़ा मैं सीधा काट लेता हूँ, काटने का बाद इसका ये मैं यहाँ पर रखता हूँ और चलिए आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। और ये शॉर्टिंग यहाँ पर मैं करके रखा हूँ और चलिए सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए क्या हो गया कि देखिए इसका जो डाटा जो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए मेन प्रोसेसर IC का साथ, तो देखिए काम नहीं कर रहा है, ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा करके देखिए तो इसी तरह शॉर्टिंग हो जाएगा तो PCB का अंदर। अब मेमोरी IC प्रोसेसर IC 10 बार चेंज करेगा तो तब भी आपका सेट रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए TV ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया और आप खुद ही देखिए ये TV अभी चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए इसका साथ ये जो ओम्स रेजिस्टेंस कनेक्शन है ये मैं आपका सामने ही कनेक्शन किया, खुद ही देखिए, ठीक है। जस्ट एक पिन के साथ पूरा मैं शॉर्ट नहीं किया। और दोस्तों पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी ये चालू नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। और इसी टाइम मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ब्रांडेड PCB का अंदर मैं देखा काम करने का समय कि ये और लो ओम्स हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, बट 400 का आसपास थोड़ा सा शॉर्टिंग कुछ भी लाइन पर हो गया, मतलब इसका अंदर बहुत PF देखा जाता है, ठीक है। ट्यूनर भी शॉर्ट हो सकता है, तो आपको ओपन करेगा तो ओपन करके देखना पड़ेगा शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कि हो सकता है कि आप मान लो मेनू चार्ट ओपन करके ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद सप्लाई को ऑफ किया, सप्लाई को ऑफ करने के बाद दोबारा सप्लाई दे दिया, दोबारा सप्लाई देने के बाद क्या होगा कि अब जो एडजस्ट किया है स्क्रीन के अंदर वो स्टोर नहीं होगा, वो फिर भी जो डिफ़ॉल्ट होता है जो डिफ़ॉल्ट आपको दिखा है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि अभी AV मोड पर सिलेक्ट करके TV को ऑन किया, पहले आपको AV मोड पर सिलेक्ट करने के बाद जितना बार TV को ऑन करेगा और फिर भी ऑफ करेगा तो ऑन ऑफ करेगा तब भी वो चेंज नहीं होगा, AV हर टाइम शो होगा, बट उसी तरह प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसी तरह प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो हर टाइम स्टोर नहीं होगा, वो फिर भी वापस चला जाएगा ऑटो मोड पर चला जाएगा, इसी तरह हो सकता है, हो सकता है। अब लाइट ब्राइट सब कुछ को सेट करके रखा हूँ वो बार बार चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आपको मेमोरी जो सिग्नल का डाटा होता है इससे SDA लाइन के अंदर, तो वो भी आपको सही से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगा था प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो, ठीक है, लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो और आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ऑडियो वीडियो सब कुछ सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों खुद ही देखिए मैं बात करते करते रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया और सप्लाई दे दिया, देखिए TV चालू हो गया। थैंक यू दोस्तों।